Subscribe to my channel Prick Now to make it and click on the bell icon to watch my latest videos first. Hi guys, welcome to my channel. My name is Priya and you are watching Prick Now to make it. तो जैसे कि आप सबको टाइटल से पता चल चुका है कि ये कोई क्राफ्ट वीडियो नहीं है, ये एक हॉल वीडियो है. तो इसमें आपको कुछ होम डेकोर और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाइज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने हाल ही में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है. तो मुझे बहुत मन किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ सप्लाइज दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरा क्राफ्ट का चैनल है. तो पहली चीज़ है ये मॉड पॉच, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है. ये डेको पॉच में बहुत यूज़ होता है और किसी भी चीज़ को सील करने में बहुत काम आता है और बहुत अच्छा भी है इसका रिव्यू, तो मैंने इसे लिया है अभी अभी. और नेक्स्ट है फेविक्रिल का मॉड पॉच, ये ग्लॉसी इफेक्ट देता है जो कि किसी भी क्राफ्ट को सील करने में इससे भी बहुत हेल्प मिलती है. इसका इफ़ेक्ट ग्लॉसी आता है और ये वाला मैट इफेक्ट देता है, तो मैंने ये दोनों ले लिया है. नेक्स्ट है कैमल का टेक्सचर वाइट और ये है आर्टिस्ट जेसो. किसी भी पेंट किसी भी क्राफ्ट की चीज़ को पेंट करने से पहले जो आप बेस कोट देते हैं, अगर आप जैसे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा उसमें और एक अच्छा सा बेस मिल जाता है पेंट करने के लिए. इसे आप ग्लास या प्लास्टिक या फैब्रिक या कैनवास किसी के ऊपर भी कर सकते हैं. और इसके साथ मुझे ये वाला भी मिला, टेक्सचर वाइट है, ये एक टेक्सचर इफ़ेक्ट देने के लिए काम आता है. जो लोग ज़्यादा स्टेंसिल वर्क करते हैं उनको बहुत काम आता है ये. तो मैंने ये दो का कॉम्बो था तो मैंने ये दोनों ले लिया है. और नेक्स्ट आता है कलर्स, तो मैंने लिए हैं कुछ प्राइमरी कलर्स. और मैंने ये ब्लैक कलर भी लिया है और है एक वाइट कलर. तो इन सभी चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके इन सब की प्राइस डिटेल्स चेक कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर्स ही ऑर्डर किए हैं, ब्रशेस नहीं लिए हैं क्योंकि ब्रश मुझे ऐसे सामने जाके शॉप में ख़रीदना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर उसका टेक्स्चर अच्छे से पता चलता है. ऐसे ऑनलाइन कुछ अच्छा रिव्यू मुझे नहीं मिला और जो मिला वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ब्रशेस लिए नहीं, सिर्फ कलर्स ही लिए हैं. अब देखती हूँ कब टाइम मिलेगा तो मैं जाके ब्रशेस भी ले लूँगी. नेक्स्ट मैंने लिए हैं कुछ होम डेकोर की चीज़ें जिसमें आती हैं कुशन कवर्स. तो पहला है ये वाला, और नेक्स्ट है ये पोल्का डॉट वाला, ये सभी कॉटन के हैं. और ये है थर्ड, एंड ये है कुछ इक्कत जैसा प्रिंट है इसमें, ये थोड़ा सा ग्रे कलर में है. और ये है एक और पोल्का डॉट वाला कुशन कवर. इन सब की जिपर्स बहुत अच्छी दी हुई है, एकदम स्मूथ है, कहीं पे भी ये अटक नहीं रहा है. और फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इन सब की, कॉटन में है, जूट टाइप का है. काफ़ी अच्छा रेंज था तो मैंने इसे ले लिया. ये एक पैक ऑफ फाइव नहीं है, ये अलग अलग करके लिया है मैंने. और नेक्स्ट जो है ये पैक ऑफ फाइव है, तो ये आता है एक इस प्रिंट में. नेक्स्ट है ये यूनिकॉर्न और ये दूसरा है, नहीं तीसरा है, ये इसमें एक फॉक्स मिल जाएगा. और ये फोर्थ है पेंगुइन. और फिफ्थ वाला है ये डियर. ये सभी एक्चुअली मैंने मेरी बेटी के लिए लिए हैं, वो अभी जस्ट 16 मंथ्स की हुई है, तो उसे एनिमल्स अभी बहुत पसंद आ रहे हैं. वो जहाँ भी देखती है कोई भी चीज़ हम लोग उसे सिखाते हैं तो फट से सीख जाती है. तो मैंने सोचा कुशन कवर्स भी अच्छे रहेंगे उसके लिए, क्योंकि मैंने एक अमेज़ॉन से दो बुक्स लिए थे, बहुत बड़े साइज़ के बुक्स थे. उसने सिर्फ 15 दिन ही पढ़ा, फिर उसने पूरा फाड़ दिया. तो और वो बुक उस बुक की प्राइस थी 400 समथिंग,
और छोटे वाले बुक की भी उतनी ही प्राइस थी तो बुक्स से अच्छा मैंने सोचा कि कुछ कुशन कवर्स ले लूँ, ये कम प्राइस में भी हैं और पैक ऑफ फाइव भी है तो बहुत वैरायटी भी मिल जाती है बच्चे बच्चों को सिखाने के लिए, तो मुझे ये ठीक लगा लेना क्योंकि बुक तो वो फाड़ देती है और कुछ काम नहीं आता, और उसमें पानी भी डाल दिया उसने, जो भी खाती है सब डाल देती है और उसने एक एक करके फाड़ के फेंक दिया, तो पूरा पैसा भी वेस्ट हो गया और बुक भी ख़राब हो गई, तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो मैंने ये सिर्फ उसको सिखाने के पर्पज़ से लिया है। वैसे इसकी क्वालिटी भी अच्छी ही है, प्राइस भी कम है, तो इस प्राइस में 200-300 समथिंग की है, तो इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो ज़िपर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, इजीली ओपन हो जाता है, और इसके अंदर का एक कुशन है वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, और कुशन फिलर है एक्चुअली ये जो अंदर आता है, और इसकी फैब्रिक भी कॉटन की है तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। मैंने इसमें लगा कर देखा, मेरे पास ऑलरेडी 4 कुशन्स थे बट कुशन कवर 5 थे, तो मैंने एक कुशन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया ताकि मैं सारे कवर्स एक साथ लगा के रख सकूं तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, कुशन फिलर और कुशन कवर बहुत ही अच्छा है, और मेरी बेटी को ये सारे के सारे एनिमल्स प्रिंट जो भी दिए हुए हैं बहुत पसंद आते हैं, वो इनको ऐसे देख के ऐसे रिकग्नाइज करती है कि देख के ऐसे बता देती है कि क्या है, हम पूछते हैं कि वेयर इज़ डियर तो वो बता देती है, इधर वेयर इज़ पेंगुइन तो दूसरा वाला कुशन कवर बता देती है, तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला, ये सारे के सारे कुशन कवर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये जितने भी छोटे वाले कुशन कवर्स हैं इनकी साइज़ है 16x16, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग साइजेस अवेलेबल है, और ये जो 5 का और ये 5 एक ही पैक में थे, और यहाँ पर जो है ये वाले कॉटन के ये मैंने अलग अलग लिया है, किसी भी बेडशीट या किसी भी बेड कवर के साथ मिक्स एंड मैच करके रखने के लिए, या फिर किसी ओकेजन में इसको अच्छे से सजाने के लिए मैंने लिया है अलग अलग। और मेरे पास और भी बड़े वाले कुशन कवर्स हैं जो हैं 24x24 इंच के, जो यहाँ पर मैंने रखे हैं पीछे, एक बैक सपोर्ट जैसा अच्छा बहुत अच्छा काम आता है, तो इसके जो कुशन फिलर्स है वो मैंने होम सेंटर से लिए हैं और कुशन कवर्स मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, आप अभी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 24x24 इंच के कुशन कवर, जिसमें से एक कुशन कवर की प्रिंट है ये वाले, जिसमें येलो फ्लावर्स और कुछ लीव्स मिल जाएंगे जो समर्स में बहुत अच्छा दिखता है, और इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैक साइड इसका सैटिन टाइप का था और ये फ्रंट में थोड़ा सा जूट टाइप का है, बट ये फिर भी कॉटन फील देता है, और इसके ज़िपर्स बहुत अच्छे हैं। और नेक्स्ट प्रिंट है ये एक्वा कलर में, और उसमें कुछ वाइट रेड और कोरल कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये टोटल फ्लोरल सेट है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स बने हुए हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट है ये मस्टर्ड येलो कलर, जिसमें आपको रेड या फिर ये कोरल कलर का हल्का सा फ्लावर प्रिंट दिया गया है, और ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। इसके इन सभी कुशन्स के छोटे साइजेस भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम 12x12 भी है, 16x16 भी है, और सबसे ज़्यादा तो ये 24x24 था। और ये है वाइट कलर का कुशन कवर, जिसपे आपको अच्छे अच्छे फ्लावर्स के प्रिंट मिल जाएंगे, और इसमें लिखा हुआ है लिव सिंपली, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, देखने से ही सुकून मिल जाता है इसको, और पता नहीं क्यों ऐसे थॉट्स कुछ लिखे रहते हैं तो वो एक अच्छा फील देता है आपको, जब भी आप सुबह उठते हैं और इस टाइप कुशन कवर में ऐसे कुछ लिखे हुए मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट है रेड या कैरेट रेड कलर का है ये, इसमें भी फ्लोरल्स बने हुए हैं, और ये भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर, बाकी सारे कलर्स के बीच में अगर आप इसको रखते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। और ये सारे के सारे कुशन कवर बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं, जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि इससे हीट आता है, ये कॉटन बेस ही है। मैंने जो ये बड़े वाले कुशन्स लिए हैं 24x24 इंच के, उसके लेने के पीछे का रीज़न ये है कि मेरी बेटी जब 5-6 महीने की थी तब वो क्रॉल करना सीख गई थी और फिर धीरे धीरे बैठने लगी थी, तो उसका सिर जो है दीवार पे लगने के चांसेस थे, तो ये रीज़न था कि मैंने ये बड़े वाला कुशन लिया।
और फिर धीरे धीरे वो खड़ी भी होने लग गई, तो और भी ज़्यादा डर लगने लग गया। तो इसी डर से मैंने ये बड़े वाले कुशन कवर्स और कुशन ले लिए, और इसमें से मैंने 4 ही लिए थे, बट 5 का कुशन कवर था। तो एक कुशन तो मैंने घर पे ही बना लिया, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे 12x12 के 4 कुशन्स थे, तो उसकी जो अंदर की फिलिंग होती है उसे मैंने निकाल दिया और एक बड़ा सा कुशन बना लिया, तो 5 का सेट पूरा हो गया। नेक्स्ट है ये रग जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है, और इसकी साइज़ है 3 फीट, और ये बना है फैब्रिक और जूट मिक्स करके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी की हुई है और इसका साइज़ भी बहुत ही अच्छा है। ये आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी सेंटर टेबल के नीचे रख सकते हैं। इससे घर का लुक बहुत इन्हेंस हो जाता है, और अगर आप कोई बोहो लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर बड़े बड़े साइज़ के कुशन्स रख सकते हैं, साइड में प्लांटर्स रख सकते हैं और कर्टन्स लटका सकते हैं पीछे, तो एक अच्छा सा बोहो लुक क्रिएट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लुक देता है ये घर पे। और इसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान है, जो भी कारपेट क्लीन करने वाला ब्रश होता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर वैक्यूम क्लीनर से भी कर सकते हैं इसको क्लीन। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे रिटर्न कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हैवी था, बट मैंने सोचा रिटर्न करने से पहले एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुशन्स डाल दिए और रग को रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लुक और मैंने रिटर्न करने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। और इन सभी कुशन कवर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्राइसेस एंड साइजेस वगैरह, और इनकी क्वालिटी भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। वैसे ये सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो ये था मेरा छोटा सा हॉल वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मेरे चैनल पे आप इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि हाँ हमें पसंद है इस टाइप के वीडियोज़, वी लाइक दिस वीडियो। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी इस टाइप के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकॉन, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो तो ये है चार्वी, अभी अभी सोकर उठी है, जैसे ही उठी बर्तन सारे गिर गए किचन में। मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। से हाय, हाय कर दियो, हाय। अभी अभी सोकर उठी है। हाय, मैंने सुबह इसकी 2 चोटी बनाई थी, 1 चोटी है और 1 चोटी का रबर टूट गया। लास्ट ईयर मैंने इसको कृष्णा जैसे बहुत अच्छे से सजाया था, लेकिन इस साल नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ भी ज्वेलरी जो भी ऑर्नामेंट होता है कृष्णा जी का, सबको ऐसे खींच खींच के तोड़ रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सुबह ट्राई किया था बट ऐसा सिचुएशन देखा तो मैंने सारी ज्वेलरी उतार के रख दी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सेल्फी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।